चलो आज का टॉपिक कार्बन कंपाउंड है। कंपाउंड जो दो या तीन चीज़ से मिलके जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जब दो या तीन एलिमेंट टुगेदर कंबाइन होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपाउंड बोलेंगे। अब कार्बन कंपाउंड में दो चीज़ें, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला वाला है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जो हम लोग को प्लांट या फिर एनिमल से मिलेगा। द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद में मिनरल, मिनरल रॉक से मिलेगा, सॉइल के अंदर से मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल में जैसे कि पोटेशियम का कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जिसमें पोटेशियम रहेगा, कैल्शियम रहेगा, सोडियम रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा, एग्जाम्पल Al2O3, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट H2SO4, ये एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ में आ गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। अच्छा, जब कभी हम लोग कार्बन कंपाउंड स्टडी करते हैं तो उसमें एक मेन टॉपिक जो स्टडी करना है दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। ओके, सो ऐसी चीज़, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ये दो ही चीज़ रहेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, तो मीथेन में, मीथेन मीन्स CH4 है ना, मीथेन मीन्स वॉट? CH4। तो उसमें कार्बन है और क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोकार्बन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। कितना है? 6। ठीक है, याद रख, कभी भूल जाओगे तो ऐसा याद रखना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जरूरी नहीं है एल्यूमिनियम का भी वैसे ही गिनके लिखेंगे। एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है? 13। सोडियम का कितना होता है? 11। बट कार्बन में ऐसा एग्जिस्ट होता है तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विल बी 2, टोटल 6 है ना, तो पहले ऑर्बिट में कितना आएगा? 2। देखो ये आपका शेल है, एटम। ठीक है, ये न्यूक्लियस है उसका, और पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो 6 में से 2 यहाँ पे आ गए, कितने बचे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेंगे? सेकेंड ऑर्बिट में रहेंगे। द मैनर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन द ऑर्बिट इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो पहले ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया? 2, 4। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, कितना है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा, एक ही रहेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 रहेगा। अच्छा अब कार्बन, अभी अभी मैंने बनाया था, कितने ऑर्बिट है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये है, ये फर्स्ट वाला हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट में कितना है 4, तो 1, 2, 3 and 4, ठीक है 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया टोटल आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन द एटम, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन का क्या रहेगा, ये हाइड्रोजन एक कार्बन, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ओनली 1, समझ में आ गया ये, ठीक है ओके। मान लो मैंने 4 हाइड्रोजन ड्रॉप कर रहा हूँ, 1, 2, 3 and 4, ठीक है 4 हाइड्रोजन है, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। होता क्या है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.4 है, सेकेंड ऑर्बिट में देयर शुड बी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 4, समझ में आया, वैलेंसी कितनी है 4, जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए रहेंगे, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट नंबर इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम इज डोनेटिंग, दे दिया किसी को, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। समझ में आ गया वैलेंसी क्या होता है, ओके ऑलराइट। नाउ इसकी वैलेंसी क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, पहले ऑर्बिट में है ना, सो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, है कितना उसके पास 1, सो हाउ मेनी मोर इट विल टेक 1, सो इट्स वैलेंसी इज 1, समझ में आ गया। वन के लिए वर्ड यूज करेंगे, इधर लिखता हूं, इफ द वैलेंसी इज 1 देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज मोनो वैलेंट, इफ द वैलेंसी इज 2 वी कॉल इट एज बायवैलेंट, इफ द वैलेंसी इज 3 वी कॉल इट एज ट्राईवैलेंट, इफ द वैलेंसी इज 4 वी कॉल इट एज टेट्रा वैलेंट, इफ द वैलेंसी इज 5, ऐसा नहीं होता ठीक है, या तो मोनो रहेगा या बाय रहेगा या टेट्रा रहेगा, ट्राई रहेगा या तो फिर टेट्रा रहेगा, किसी भी कंपाउंड की 5 वैलेंसी नहीं होती है ठीक है। लास्ट टाइम बताया था ना मैंने, 5 वैलेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 5 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा 3 इलेक्ट्रॉन किसी को, समझ में ओके। अब ये कार्बन बैगर है, बैगर समझता है, मांगने वाला है ना, क्या चाहिए उसको 4, क्या इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी 4 है ना, तो क्या चाहिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन, तो किससे मांगेगा, क्योंकि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1। अब ये शाणा इतना है, बोलेगा अगर मैं तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा मुझे भी तो एक चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, समझ में ठीक है। फिर जब ये इससे मांगेगा तो जो रिप्लाई इसने इसको दिया वही रिप्लाई ये इसको देगा, फिर जब ये इससे मांगेगा तो वापस
सेम रिप्लाई मिलेगा, इधर भी सेम रिप्लाई मिलेगा. मिलजुल के उन लोग एक सॉल्यूशन निकालेंगे, उन लोग बोलेंगे ओके फाइन ठीक है. तो ये उसके पास में आएगा लाइक दिस. व्हाट इट, ये इलेक्ट्रॉन किसका था, कार्बन का, और अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन का ठीक है. सेकेंड बोले ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा मैं भी वैसे ही करता हूँ, तो ये और उसके पास में आएगा. Like this, hydrogen, and this is the electron of hydrogen. Similarly, this one, okay, and then at last. अब देखो इसमें क्या होता है, ये सब भूल जाओ, हाइड्रोजन को भूल जाओ. कार्बन के पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, स्टेबल हो गया ठीक है. अब ये सब भूल जाओ, खाली एक हाइड्रोजन देखो, इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 and 2 इसको एक दिख रहा है अच्छा हाँ ठीक है. तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से, दो इलेक्ट्रॉन से ठीक है. तो ये भी वैलेंस, वैलेंस भी पूरी हो गई इसकी, और ये भी स्टेबल हो गया, दोनों भी स्टेबल हो गए. इसको मॉलिक्यूलरली हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे, वन कार्बन एंड देर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, सो 1 2 3 and 4 दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मीथेन. लास्ट टाइम किसी ने मुझसे पूछा था सर CH4 ही क्यों होता है, CH5 क्यों नहीं होता है ना, CH6 क्यों नहीं हो सकता, AlO3 क्यों होता है, Al2O3 ही क्यों होता है, Al2O3 why not we can write AlO2 या O3 या O4. तो वो क्यों नहीं होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वैलेंसी. जैसे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4, तो उसके पास चार ही हाइड्रोजन आएंगे, पांचवा हाइड्रोजन कहीं से आ सकता है क्या, बोला मेरे लिए भी जगह कर, मैं भी आ रहा साइड में, यहाँ पे जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसकी वैलेंसी फुल हो गई, तो वहाँ पे देर इज़ नो प्लेस फॉर एनी ऑफ द एलिमेंट, एनी ऑफ द एटम टू गेट अटैच्ड. समझ में आ गया, इसके लिए वो CH4 ही होता है, CH5 नहीं होता है. वॉट इट, अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है. देखो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं ज़्यादातर, एक बनता है आयोनिक और एक बनता है कोवेलेंट ठीक है. पहला बॉन्ड कौन सा बनता है, आयोनिक, और सेकेंड बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवेलेंट. क्या डिफरेंस होता है आयोनिक में और कोवेलेंट में, आपने 9th में एक टॉपिक पढ़ा था NaCl. NaCl ठीक है. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11. इसका कितना है, 17. 2.8.1 2.8.7 ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट बोला मैंने, शेयर नहीं, क्या करेगा, तो ये ले लेगा. तो इसका हो जाएगा 2.8, इसका हो जाएगा 2.8.8. ये भी वैलेंस, तो दोनों में एक रिलेशन बनेगा. क्या रिलेशन बनेगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, बीच में बॉन्ड बन गया. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. विच बॉन्ड, अब यहाँ पे ना तो कोई दे रहा है ना तो कोई ले रहा है ठीक है. यहाँ पे क्या चल रहा है, शेयरिंग. द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन. सो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज बाय हाइड्रोजन एज वेल एज बाय कार्बन, वेर एज हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज बाय हाइड्रोजन एज वेल एज बाय द कार्बन. तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट
बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड. क्या डेफिनेशन है? द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, बोलिए वापस बोलिए, याद हो गया? ठीक है, एग्जाम्पल मीथेन, अभी पढ़ा है मीथेन. सेकेंड एग्जाम्पल इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. बस तीन एग्जाम्पल याद रखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. वापस बोलिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन. ठीक है, और 10 एग्जाम्पल याद करना है, हर सेक्शन में थोड़ा दो 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 तीन 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 दिन याद करेंगे. ठीक है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये इसका एग्जाम्पल है. समझ में आ गया? ठीक है, सो दिस इज एंटायरली कम्प्लीटली शेयरिंग ऑफ 930, कम्प्लीट शेयरिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन. ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है बोलिए, वापस एक बार बता देता हूँ मैं. कार्बन के एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 4, वैलेंसी कितनी है, टेट्रावेलेंट. वैलेंसी क्या है इसका, टेट्रावेलेंट. तो इसके पहले वाले शेल में, पहला शेल मतलब के है ना, सेकेंड शेल मतलब एल, इसका पहला शेल मतलब के, ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड शेल, अंडरस्टूड दिस थिंग. तो इसके एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था, किसके, कार्बन. तो उसने किससे मांगा, हाइड्रोजन ने क्या बोला, मैं दूंगा नहीं, बट आई एम रेडी टू शेयर. सो 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय दिस हाइड्रोजन, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे उसके एल शेल में, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे और 4 बॉन्ड बनेंगे, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ मीथेन मॉलिक्यूल. समझ में आ गया? ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या बताया, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, वेरी गुड. कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. पहला वाले है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड वाला डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड वाला है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल में एग्जांपल है इथेन, मीथेन भी था इथेन. डबल में एग्जांपल है इथीन, ट्रिपल में एग्जांपल है इथाइन. ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है, इथेन, इथीन, इथाइन. क्या डिफरेंस है इसमें, ए एन ई ए, ई एन ई ए, और यहाँ पे क्या है, वाई एन ई. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आज का सेक्शन यहाँ पे स्टॉप.